नमस्कार दोस्तों, आरसीए न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको आपसे संबंधित सारी जानकारियां समय समय पर सही सटीक विस्तार से देने का प्रयास किया जाता है। आरसीए न्यूज चैनल एक एजुकेशन चैनल है जिसके माध्यम से आपको भर्तियों से संबंधित जानकारी दी जाती है। किस भर्ती का विज्ञापन कब आने वाला है, कौन से भर्ती का रिजल्ट आने वाला है, इन सब के बारे में जो भी जानकारी आपको आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से मिलती है वह सही होती है, सटीक होती है। साथ ही साथ आरसीए न्यूज चैनल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास भी किया जाता है। इसलिए बिना सोचे समझे आरसीए न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें जिससे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें आपसे संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जो भाई मेरा वीडियो नहीं देख पाते हैं, समय से उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, वे सभी एक बार चेक कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन बेल आइकन को दबाया है या नहीं। अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो एक बार जरूर उसे प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अब आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर होगी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ इलाहाबाद की, दूसरी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और तीसरी बड़ी खबर होगी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। तो आइए आज की पहली बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की पहली बड़ी खबर है रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ इलाहाबाद के माध्यम से ग्रुप डी में चयनित 3254 अभ्यर्थियों को अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया था। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशी की खबर है कि अगस्त के प्रथम सप्ताह तक इन सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इन सभी अभ्यर्थियों की सूची तीनों मंडलों में भेज दी गई है। अब आइए आज की दूसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 और 2020 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि अक्टूबर के द्वितीय या तृतीय सप्ताह में यूपीपीसीए 2018 का मेंस एग्जाम होगा और 18 अक्टूबर 2019 मेंस एग्जाम की डेट निर्धारित भी कर दी गई है। 18 अक्टूबर 2019 से मेंस एग्जाम स्टार्ट होगा और 15 दिसंबर 2019 पीसीएस 2019 का प्री एग्जाम होगा, उसकी भी डेट निर्धारित कर दी गई है। आप परीक्षा कैलेंडर देख सकते हैं। अब आइए आज की तीसरी बड़ी खबर के बारे में जान लेते हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीडियो भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम अभी तक जारी नहीं किया गया, जो कि सूचना मिली थी कि 28 जुलाई 2019 से एक दिन भी आगे नहीं होगा और परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा, अर्थात 25 या 26 जुलाई 2019 को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी हैं धैर्य बनाए रखें, परीक्षा परिणाम आपका जुलाई में ही आएगा। जो सूचना प्राप्त हुई है, परीक्षा नियंत्रक से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था 31 जुलाई तक हम दे देंगे, तो 31 जुलाई उन्होंने बोला है, तो 25-26 आप मानकर चलिए। मुझसे जो बात हुई थी 28 से एक दिन भी आगे नहीं होगा उन्होंने बोला था। अब बता दें क्या चल रहा है, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीडियो भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है, कुछ समझ में मुझे भी नहीं आ रहा है। आपके लिए मैं दोबारा प्रयास करूंगा बात करने का, लेकिन आप 28 तारीख तक जरूर वेट करें, क्योंकि 28 तारीख अगर बताई गई है तो कुछ ना कुछ इसमें सत्यता होगी। आज 26 तारीख है, आज हो सकता है कि आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। जब तक 28 पार ना हो जाए तब तक बात करना उचित नहीं है। इसलिए जितने भी अभ्यर्थी हैं थोड़ा इंतजार करें और अपना विश्वास बनाए रखें। मैं भी कहीं जानकारी लाता हूं आपको देता हूं, तो एक बार आज के लिए मैं पुनः प्रयास करूंगा अगर 28 तक नहीं आता है। लेकिन संभावना यह जताई जा रही है कि आज शाम तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा वीडियो भर्ती परीक्षा 2018 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। युवा विकास दल अधिकारी का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा